अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। तहारत दे मसाइल दे विचों अज इंशाअल्लाह रहमान पानी दे मसाइल ते गुफ्तगू करांगे। समंदरां दा पानी, तालाब दा पानी, चश्मिया का पानी, इस तरह बारिश का पानी ये पा के और ये तो पाकीजगी भी हासिल की जा सकती है, तहारत हासिल की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंज़लना मिनस समाई माअन तुहूरा, असा आसमान तो पाक पानी बरसाया। इसे तरह सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों पुछया गया कि अल्लाह दे रसूल समंदर दे पानी दे बारे दसो कि क्या इहदे तों वजू कीता जा सकदा या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समंदर दा पानी पा के और इहदा मरिया होया हलाल है, यानी समंदर दा पानी भी पा के। अगला मसला है कि अगर पानी दे विच कोई नापाक चीज मिल जाए तो पानी का अगर रंग या जायका तब्दील हो जाए, भू तब्दील हो जाए तो पानी नापाक होएगा। अगर उनका रंग जायका और भू तब्दील ना हो तो पानी पाक ही रहेगा और ये तहारत भी हासिल की जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, पानी पा के इनू कोई भी चीज नापाक नहीं कर सकती। इसे तरह पानी के अंदर अगर कोई पाक चीज मिल जाए, उदा रंग जायका और भू तब्दील ना होए तो पानी के नाल तहारत हासिल की जा सकती है। अगर पानी के अंदर कोई पाक चीज मिलन दे नाल रंग और जायका तब्दील हो जाए तो वह पानी नहीं बल्कि उदा कोई होर नाम दे दिता जाएगा, लस्सी या शरबत वगैरह। अगर उदा रंग और जायका तब्दील नहीं होंदा तो फिर उदे नाल तुसीं तहारत हासिल कर सकते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रवायत मौजूद है, सईदा उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने कि एक दफ़ा सईदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन के विचों गुसल किया सी और उस दे विच जिहड़ा पानी सी उन दे विच गुन्ने हुए आटे का असर मौजूद सी। ते इत्थों मालूम होया कि बंदा पानी पाक होए तो उहदे नाल तहारत हासिल कर सकदा है, अगर थोड़ा बहुत उहदे च पाक चीज़ का कोई असर मिल जाए तो। अगला मसला यह है कि अगर पानी के मुतलक शक पै जाए कि यह पानी पाक है या ना पाक है तो ऐसी सूरत के अंदर पानी नूं पाक ही समझा जाएगा, पाक समझ के उहदे नाल तहारत हासिल बंदा कर सकदा है। और अगर मुश्तबे हो जाए तो फिर की करना चाहिए। शक और मुश्तबे का फर्क यह है, शक कहिंदे ने कि पानी पिया होया इहदे मुतलक यह नहीं पता हुण पाक है या ना पाक है, इहनू कहिंदे ने शक पै जाना। एक हुंदा मुश्तबे, मुश्तबे का मतलब यह आ कि दो बर्तन ने, एक बर्तन दे विच पानी पा के ते दूसरे दे विच ना पा के, इन्ना पता भी इन्हां दोवां चों एक पानी पा के ते दूसरा ना पा के, यह नहीं पता कि किहड़े बर्तन दे विच पाक पानी है ते किहड़े दे विच ना पा के, इहनू कहिंदे ने मुश्तबे हो जाना, पानी मुश्तबे हो गया। ऐसी सूरत दे अंदर अगर ते बंदे नूं दूसरा होर पानी मुयसर होए ते फिर बंदे नूं दूसरे पानी दे नाल तहारत हासिल करनी चाहीदी है। अगर होर पानी मुयसर नहीं ते इहनां दे विचों जिस दे बारे गालब गुमान होए कि आ पानी पाक होएगा उहदे नाल बंदा तहारत हासिल कर सकदा है। इसे तरह कपड़े के मुतालक भी यही हुक्म है कि कपड़ा बंदे को होए, बंदे नूं अगर मुश्तबे हो गया इन्हां चों पाक कपड़ा केड़ा ते नापाक केड़ा, उन्हां दे विचों जिहड़े दे बारे गालब गुमान है कि आ कपड़ा पाक होएगा उहनूं बंदा इस्तेमाल कर लवे, उहनूं इस्तेमाल करे इबादत वास्ते, या अगर दूसरा कपड़ा मुयसर होए तो फिर बंदे नूं दूसरा कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे तरह अगर नमाज बंदा पढ़ता पिया तो बंदे नूं शक पै गया शायद कि मेरी हवा खारिज हो गई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यंसारिफु हत्ता यस्मा सौतन औ याजिदा रीहन,
ओनी देर तक नमाज ना तोड़ो जिनी देर तक तुसा ओदी आवाज नहीं सुन लेंदे या ओदी बू महसूस नहीं कर लेंदे।